में सताई हुई बेसहारा औरतें कभी कभी जिंदगी से बहुत हताश हो जाती हैं। फातिमा भी ऐसी ही एक लड़की थी। चुप हो जाओ फातिमा, रोने से भला क्या होगा, शांत होकर बताओ आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? और क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 5 साल हो गए और मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? इसी की खातिर तो वो मुझसे नाराज रहते थे, रोज रात को शराब पीकर देर से घर में घुसते और कोई ना कोई बहाना लेकर मुझे पीटते रहते थे। और कल तो मुझे पीट पीट के घर से ही निकाल दिया। कहते हैं अब दूसरा निकाह कर लेंगे, मैं बांझ हूँ डॉक्टर साहब, मैं बांझ हूँ। माँ बाप ने भी सहारा नहीं दिया, कहते हैं ससुराल में से लड़की की लाश ही निकलती है, तू जिंदा क्यों लौट आई? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मुझे मर जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे मर जाने दीजिए। आप इन लोगों को नहीं जानती, शोहर के घर से निकाली हुई औरत को तो कोई मजूरी भी नहीं देगा। बस फातिमा रो नहीं, पहले मेरी दो बातें सुन लो फिर जो जी चाहे कर। पहली बात जो मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुमसे कहूंगी वो ये कि अगर 5 साल तक तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, हो सकता है कमी तुम्हारे शौहर में हो। और दूसरी बात मैं तुमसे एक औरत होने के नाते कहूंगी, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ फातिमा, पर साथ में ये भी जानती हूँ कि तुम मरना नहीं चाहती, तुम्हारे हालात तुम्हें मजबूर कर रहे हैं और अगर तुम हालात से लड़ना सीख लो तो फिर तुम्हें जान देने की कतई जरूरत नहीं। पर कैसे डॉक्टर साहब? मुझ पर भरोसा करो, इज्जत की जिंदगी जीने की पहली शर्त है सीख पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना। पर मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان पहचाने इसे तुम्हारे शौहर? जी। इसकी दूसरी बीवी से भी इसे बच्चा नहीं हुआ, अब ये तुम्हें वापस घर ले जाना चाहता है, बोलो क्या कहती? फतो अपने घर चले। नहीं, अब मेरा घर यही है, इन्होंने तो मर जाने के लिए मुझे घर से ही निकाल दिया था, यह जिंदगी आपकी दी हुई है डॉक्टर साहब। पर फातिमा अगर तुम अपने घर लौटना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, इन लोगों की सेवा में मुझे मेरा घर बच्चा सब कुछ मिल गए हैं, इनसे कहिए अपने दूसरी बीवी को इज्जत से रखें, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपना सहारा आप हूँ। काफी परेशानी और सोच विचार के बाद आखिर फातिमा ने तय कर ही लिया कि वह अपनी जिंदगी के निर्णय खुद स्वतंत्र रूप से लेगी। उसने यह सोचा कि वह अपनी जिंदगी बीमारों की देखभाल में बिताएगी। अक्सर देखने में आता है कि औरतें अपने बच्चे और परिवार की देखभाल तो करती हैं पर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी
वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। इससे कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आइए हम लोग चले डॉक्टर से पूछें कि गर्भावस्था में माताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही उनके बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उनको अपनी खुराक का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब गांव में जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, दही, इन सब की तो आमतौर पर कमी नहीं होती है। गुड़, चना, मूँगफली, ये सब भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा खाने की कोशिश करें। और अगर हो सके तो दिन में खाना वाना खाने के बाद एक आध घंटा सुस्ता लें, ज़रा आराम भी कर लें, इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खुराक के अलावा भी गर्भावस्था में औरतों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह भी आप कुछ बताएंगी? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो महिला को शक पड़े कि वो अब गर्भवती हो गई है, तो कम से कम एक दफ़ा जा कर के वो डॉक्टर से ज़रूर मिले। उससे उसको ये भी पता लग जाएगा कि वाकई में उसके गर्भ ठहर गया है और आगे उसको क्या क्या करना चाहिए। और जब सातवां महीना होता है तब उसको अपने को और अपने बच्चे को, दोनों को टेटनस से बचाना चाहिए। इसके लिए उसको सातवें महीने में और आठवें महीने में दो दफ़ा टेटनस का टीका लगेगा। और इसके संग संग उसको वहाँ से आयरन की गोलियाँ, यानी कि लोहे के मात्रा बढ़ाने के लिए गोलियाँ भी मिलती रहेंगी। और उसको ये भी मालूम पड़ जाएगा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, कि उसका जो बच्चा है वो घर में पैदा हो सकता है, कि उसको ज़रूरी ही अस्पताल जाना चाहिए। और अगर कोई उसको दिक्कत महसूस होती है या कोई बीमारी का उसको शक पड़ता है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिले और एक दफ़ा ये पक्का पता कर ले कि वो ठीक तरह से सब कुछ चल रहा है या उसको किसी ख़ास तरह की केयर की ज़रूरत है। बीमारी हो तो औरतों को डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में वह खुद कुछ सीख लें तो और भी अच्छा होगा। यह मत सोचिए कि हम आपको कोई नामुमकिन बात कह रहे हैं, ऐसा हो चुका है और हो रहा है। महाराष्ट्र के एक गांव गोयकरवाड़ा में आइए औरतों से बात करके खुद देखें कि यह नामुमकिन बात को कैसे उन्होंने मुमकिन करा है। किस्सा शुरू होता है पारोबाई से। 10 साल पहले पारोबाई पास के तालुके जामखेड़ के एक बड़े दवाखाने में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए गई। महीने भर के प्रशिक्षण के बाद पारोबाई अपने गांव लौटकर गांव वालों के स्वास्थ्य की देखरेख करने लग गई। बच्चे को बुखार हो जाए तो एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लो, फिर बच्चे के बदन को उस कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लो। इस तरह से बुखार तुरंत उतर जाता है। ये गोलियां भी दे देना, रोज 3 गोली 3 दिन तक, इससे जल्दी बुखार उतर जाएगा। चाहे घर में अकेली माँ या समूह में औरतें, पारोबाई जानकारी देती रहती। बीमारी क्यों होती, कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे देखभाल करनी चाहिए, वे इन सभी बातों पर चर्चा करती रहती। ती सुद्धा आपल्यात घेतली नाही पाहिजे ना, आपल्याला तर रोजचे गावचे लोक आपल्या परिचयाचे असते।
धीरे धीरे सभी औरतें पारोबाई की चर्चाओं में जुड़ने लगी और स्वास्थ्य की जानकारी एक से अनेकों तक पहुंचने लगी। आपको सांप काट गया था, फिर क्या हुआ? यहाँ काटा था, फिर चंद है जी पान आनी बिलेट पान, बिलेट पान पिसवी टुकड़ा होता, तो त्यानी अस छेटल ब्लेड से छील लिया आपने, फिर खुदी कर लिया, फिर माहित पडना ह्याच्यात आल्यामुळे माहित पडना, मग माहित पडल्यामुळे माहित झाल्यामुळे ते करावं लागलं, म्हणून जीवन वाचला माझा सुद्धा, मन में विश्वास था इसलिए आपने काट लिया, फिर क्या करा? मग हित बांधलं धुवून काढलं पाण्याने, धुवून काढलं नंतर पारूबाईला बोलाय पोर पाठवलं, मग पारूबाई आली की लगेच दुसरी सायकल इकडे पाठवली, मला बैलगाडीत टाकलं आणि आणलं, ही कुंतवर गाडी आली दवाखान्याची गाडी, तिकडे आली आमच्याकडे निम्या रस्त्यात, लगेच आण हित आणलं, हितून बांध के इसको काट के आप इधर अस्पताल आने लगे, पानी बैलगाडी में पानी खूप पिया। अगर जे कोई दिन गाँव में पारूबाई नहीं और कोई बीमार होता, बच्चा होने वाला होता, तो कौन देखेगा? आप देखेंगे, और आप भी नहीं होता? मी जर नसली गावात दुसऱ्या बायांना माहिती झाली, आप नहीं हो तो दूसरी औरतें भी कर सकती है, दूसरी बाई लोग कर सकती है। मराठी समझते तेरे थोड़ी थोड़ी समझता असल में। आपके इधर जैसे बोलते हैं ना बच्चा बहुत होते हैं, है। उसका भी कुछ करते हैं? हाँ, गोली खाती है, परत धर्म हफ्ते को तेल कहते हैं बसवते बाय श्री बसवते लूप बसवते पायना लांबते ऐसे करते थे। ऑपरेशन भी करा है कुछ? उन्हें दो बच्चे को तीन हो तो करते। कहाँ से सीखा? एक इधर से महिला में आके, महिला में आके। हुलासा बाई नहीं हो तो आप भी कर सकते और बाई लोग भी कर सकते हैं सब? हाँ, वो ये नहीं करा, ये बुड्ढी ने करा, सब ने करा। औरत को क्यों सिखाया उनने? मालूम को क्यों सिखाया? बाई को इसलिए सिखाया क्योंकि बच्चों की देखभाल माँ ही करती, आदमी खाना खाता तो औरत के हाथ हुई, सभी काम तो औरत के भरोसे चलता है। यही नहीं, संडास के लिए भी अगर दो तीन औरतें साथ जाएं तो अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करती जाएंगी, आदमी ऐसा नहीं करता। ये क्या है पारो भाई? दवा है, दवा। ये आप ये लेकर जाते हैं? हाँ, सबको देते हैं। हाँ, इसमें क्या है दिखाएं? देखो ना, ये क्या लिखा है? ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प जामखेड़। अच्छा, पढ़ लिख सकते हैं? पहले नहीं आता था लेकिन दवा खाने जा जाकर थोड़ा बहुत सीख लिया। ये क्या है? लहान बाळाला ताप आली तही गुळी तीन द्यायच्या, एक दिवसातून तीन द्यायच्या, सकाळी एक, दुपारी एक आणि संध्याकाळी एक। लहान बच्चाला ताप आली तर, अगर छोटे बच्चे को बुखार आएगा तो ये देंगे, वो ठंडे पानी में कपड़ा नीचो के उसका पुसून काढायचं आणि हवेला ठेवायचं बाळ, म्हणजे ताप कमी होतो। आता ही गाडी जर तुम्ही, जैसे गाड़ी का इंजन चलते चलते गरम हो जाता है और पानी डालकर ठंडा करना पड़ता है, वैसे ही हमारा शरीर भी इंजन की तरह है, गरम होने पर ठंडा करना पड़ता है, तो फिर रोकनी पड़ती है। ऐसे खाली औरत को ही बताते हैं कि आदमी को भी बताते हैं? दोनों को भी, दोनों को भी। जब सभी औरतें जुट गईं, तो आदमी भी इनके काम का महत्व समझने लग गए। पारोबाई से वो केवल दवा दारू ही नहीं करवाते बल्कि मोतियाबिंद जैसी बड़ी बीमारी की जांच पड़ताल भी करवाते।
थांबली का ताग आता नाही ना सरळ डोळा ठेवा असा अंग तसा जरा थोडा खाली बघा नॉर्मल उठा संपलं आदमी भी लेते हैं दवाई हाँ आदमी ये नहीं बोलता कि औरत के हाथ से नहीं लूंगा नहीं लेते सब जो बीमार आदमी है उसको ताप खोखला परस कुछ ठंडी इसमें वो पारुभाई दवा देती सबके लिए और सब पारुभाई वो सब पारुभाई को मानती अब गांव के आदमी पारुभाई के साथ मिलकर काम करते हैं इस तरह उनकी खुद की जानकारी भी बढ़ी और पारोबाई की लिखाई पढ़ाई की समस्या भी कुछ हल हुई जब औरत और आदमी दोनों ही स्वास्थ्य के बारे में जानकार होने लग गए तो बच्चा फिर पीछे क्यों रहे खुद सीखकर अब लड़कियां भी एक दूसरे को सिखाने लगी गर्म पानी का भपारा कैसे देना चाहिए खुद करके दिखाती तस्वीर दिखाकर दस्त के रोग की एक एक बात समझाती औरत का कितना महत्व एक औरत को कुछ जानकारी दी मानो पूरे गांव को जानकारी मिल गई सभी मुमकिन है ये हो रहा है ये हो सकता है अगर औरत अपनी शक्ति समझे बदलाव लाने की अपनी ताकत समझे कौन पाठ पढ़िए